आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह जल्द पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, हथियारों की कमी और दूसरी जरूरतों की देंगे जानकारी। तमाम मंत्रालयों और विभागों के सचिवों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, सबसे हाथ मिलाया। सचिवों को प्रधानमंत्री का निर्देश, जरूरी मसलों पर सीधे बात कर सकते हैं। 3 घंटे की मुलाकात में मोदी ने पारदर्शिता और तेजी से फैसले लेने पर दिया जोर। सचिवों को पीएम मोदी की 2 टूक, लाल फीताशाही में न फंसे, कोई फैसला सुझाव के लिए पीएम हर वक्त तैयार। 77 सचिवों में कईयों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी बात, गुड गवर्नेंस रहा बैठक का मकसद। मुंडे की मौत के बाद जागा परिवहन मंत्रालय, खतरनाक सड़कों की हालत सुधारने और हादसों को कम करने के ढूंढे जाएंगे उपाय। गडकरी ने अधिकारियों से कहा, डिटेल रिपोर्ट तैयार करें और सुझाव दें। मंगलवार सुबह सड़क हादसे में हुई थी केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत, दिल्ली में रेड लाइट पर हुई कारों की टक्कर। बजट की तैयारियों में जुटे वित्त मंत्री अरुण जेटली आज कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों से करेंगे बजट पर सलाह मशवरा। राज्य में चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बजट, आज अजीत पवार सदन में पेश करेंगे बजट। चौहान सरकार से कुछ प्रमुख घोषणाओं की उम्मीद, टोल टैक्स मसले पर सभी की नजरें। आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी का इस्तीफा, लालू पर लगाया आरोप, कहा पार्टी नेताओं पर नहीं रहा उनका नियंत्रण। वैशाली के पूर्व सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह का लोजपा सांसद रामा सिंह पर हमला, कहा रिकॉर्ड में है फरार, मोदी सरकार से कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री यशोधरा राजे ने कसा तंज, राज्य के विमानों को कहा बुढ़ऊ। महाराष्ट्र के बीड़ में गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार के बाद हंगामा और तोड़फोड़, सीबीआई जांच की मांग को लेकर डिप्टी सीएम की गाड़ी पर पथराव। अंतिम संस्कार के बाद वहां मौजूद लोगों ने जमकर किया हंगामा, आगजनी के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुंडे की विधायक बेटी पंकजा ने जारी किया बयान, का पथराव करने वाले लोग मुंडे के समर्थक नहीं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान, मुंडे की मौत की घटना की सीबीआई जांच। इसके ऊपर विवाद हो सकता है क्योंकि ये एक्सीडेंट अब तक ये नहीं हो रहा है, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो लोगों की जो भावना है उसका उत्तर तो मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के परली में गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार, बेटी पंकजा मुंडे ने दी मुखाग्नि। मुंडे को श्रद्धांजलि देने के लिए परली में उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने नम आंखों से दी अपने प्रिय नेता को आखिरी विदाई। मुंडे के आखिरी दर्शन के लिए लोगों की जुटी भारी भीड़, अंतिम संस्कार में जुटे बीजेपी के दिग्गज नेता। मुंडे को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, सशस्त्र बलों ने दिया सम्मान। जन सैलाब ने हाथ उठाकर दी श्रद्धांजलि, आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से की प्रार्थना। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पीपर गांव में सामने आई दर्दनाक घटना, पेड़ से टंगा मिला लड़के लड़की का शव, अभी तक दोनों की शिनाख्त नहीं, माना जा रहा है कि प्रेमी जोड़े थे युवक और युवती। पुलिस ने दर्ज कर लिया मामला, दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी, राज्य में बढ़ते अपराध पर सख्त, कहा बदायूं सहित हर मामले में होगी कार्रवाई। जयपुर में एक 15 साल की नाबालिग से रेप, पड़ोस में रहने वाले शख्स ने किया बलात्कार। रेप की घटना से आहत पीड़ित लड़की ने खुद को लगाई आग, शरीर 45% तक जला, अस्पताल में हालत नाजुक। आरोपी पड़ोसी पुलिस की गिरफ्त में, दर्ज हुआ बलात्कार का मामला। राजस्थान के ही सवाई माधोपुर जिले के सरकारी अस्पताल में एमएमएस बनाने का सनसनीखेज मामला, प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं का कंपाउंडर और अस्पताल कर्मी बनाते थे वीडियो क्लिप।
मामला सामने आने के बाद दो आरोपी कंपाउंडरों को किया गया निलंबित। इलाके में भड़के लोग अस्पताल के डॉक्टरों की भी बर्खास्तगी की कर रहे हैं मांग। मेघालय में शर्मसार हुई इंसानियत रेप की कोशिश का विरोध करने पर महिला का सिर गोलियों से उड़ाया। महिला के घर में घुसकर वारदात को दिया गया अंजाम, पति और बच्चों को बंधक बनाकर मारी गोली। पति और बच्चों को बंधक बनाने के बाद महिला से रेप की कोशिश विरोध करने पर सिर में मारी गोली। हथियारबंद लोगों ने महिला के घर पर बोला था धावा। घटना के पीछे गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी पर शक। मेघालय में हुई इस घटना की महिला आयोग समेत सभी राजनीतिक दलों ने की जमकर निंदा। कड़ी कार्रवाई की मांग। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़की से रेप, हथियार के दम पर अगवा कर वारदात को दिया गया अंजाम। मेरठ में नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत, पुलिस ने कब्र से लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घर वालों ने जताई गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका, तीन लड़कों पर केस दर्ज। मैनपुरी से लापता तीन सगी बहनें आगरा से बरामद, 29 मई को घर छोड़कर चली गई थी बहनें। पुलिस ने इस मामले में तीन लड़कों को किया गिरफ्तार, तीनों बहनों को एसएमएस और कॉल से परेशान करने का आरोप। यूपी में सरकारी अस्पतालों में भी महफूज नहीं महिलाएं, इलाहाबाद में बीमार पति का इलाज कराने गई महिला से रेप। अस्पताल के एक डॉक्टर पर ही लगा रेप का इल्जाम, पुलिस में मामला दर्ज, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। पीड़ित महिला का आरोप, केस वापस लेने के लिए आरोपी डॉक्टर से मिल रही है जान की धमकी। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप, पड़ोस के दो सगे भाइयों पर लगा आरोप। एक दिन पहले आरोपी भाइयों ने लड़की को किया था अगवा, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में महिला की गला दबाकर हत्या, परिवार को हत्या से पहले रेप की आशंका। घर के बेडरूम में मिली महिला की लाश, रिश्तेदारों के मुताबिक 3 साल के बच्चे ने हत्यारों को देखा। पिछले 2 साल से पति से अलग रह रही थी महिला, बच्चे के बयान पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। गाजियाबाद में एक महिला ने ससुर पर लगाया रेप का आरोप, पुलिस में मामला दर्ज, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। पीड़ित महिला का आरोप, सास से थी मिलीभगत, आरोपी ससुर पर पहले भी कई बार छेड़खानी कर लगाया था इल्जाम। यूपी में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर केंद्र चिंतित, गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा यूपी के मौजूदा हालात चिंता का विषय। बीजेपी सांसद और पूर्व गृह सचिव आरके सिंह ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत की, कहा जब महिला जज सुरक्षित नहीं तो दूसरों का क्या होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने श्रावस्ती में किया औचक निरीक्षण, विकास कार्यों में लापरवाही बरतने पर 6 अफसर सस्पेंड। मुख्यमंत्री ने डीएम को भी हटाने का दिया आदेश, कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं होने पर एसपी को दी चेतावनी। गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा यूपी में एक परिवार और एक गिरोह का राज, वहां कानून नहीं जंगल राज। अमेठी में भी सामने आई गैंगरेप की वारदात, जमीन के विवाद में महिला से 4 दबंगों ने किया गैंगरेप और पिटाई। महाराष्ट्र के कल्याण से पनवेल जा रही एसटी की बस में महिला कंडक्टर से मारपीट, तमाशबीन बने रहे लोग। बचाने गई दूसरे बस की महिला कंडक्टर की भी पिटाई, बाद में लोगों ने आरोपी को पकड़ कर किया पुलिस के हवाले। लुधियाना में एक परिवार के 5 सदस्यों ने दी जान, घर के मुखिया ने पत्नी और बच्चों को जहर देकर मारा फिर खुदकुशी की। आर्थिक तंगी से जूझ रहा था परिवार, पेशे से ड्राइवर था घर का मुखिया जोगिंदर सिंह। पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 28 साल के मोहसिन सादिक की हत्या से सनसनी, आरोपियों पर हिंदू राष्ट्र सेना से जुड़े होने का शक। दिल्ली में रहने वाले सीआईआई गुड़गांव के डायरेक्टर के घर में लाखों की चोरी, घर से ज्वेलरी और कीमती सामान गायब।
रविवार को छुट्टी मनाने कुल्लू गए थे डायरेक्टर जय शंकर, पड़ोसियों ने की पुलिस को खबर। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर से गुजरती नहर में मिली एक युवक की लाश, अब तक नहीं हुई शिनाख्त। ताजा वनडे क्रिकेट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर किसकी टीम इंडिया, श्रीलंका ने दूसरे नंबर पर जमाया कब्जा। आईसीसी रैंकिंग के टॉप बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली का दम बरकरार, नंबर वन पर है विराट। टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में भी भारतीय टीम फिसली, दो पायदान खिसककर पांचवें स्थान पर मिली जगह ऑस्ट्रेलिया, नंबर वन। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क को मिली आईसीसी टेस्ट मिस, अगस्त 2009 में कंगारू को मिली थी मिस। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का पोलैंड के एक जिम में कसरत करता हुआ वीडियो लीक, ओबामा के वीडियो को पेश करने वाले का लगाया जा रहा है पता। यूक्रेन से वापस लौट रहे भारतीय छात्र, हालात खराब होने की वजह से बाहर निकलने की मुहिम, करीब 800 से ज्यादा छात्र हैं यूक्रेन में। यूक्रेन में तो काफी हैं, पर जो लुगांस में हैं वो लगभग 800 स्टूडेंट्स अभी भी हैं। मेरे ख्याल में वो कल तक 400 बच्चा और आने वाला है, उसके बाद परसों फिर आएंगे, दो या तीन दिन में 800 स्टूडेंट्स जो भी रहते हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अमेरिका में कैलिफोर्निया के एक रिहायशी इलाके में हुआ अजीबोगरीब हादसा, सेना का हैरियर जेट विमान हुआ घरों और सड़क के बीच क्रैश। अमेरिका के ही कांसास में तेज हवाओं का कहर, ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे। चीन के कई इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश, भारी तबाही, अर्थव्यवस्था को नुकसान।